दुर्ग नगर निगम के वार्ड में कायर सफाई कर्मियों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने रोष जताया, वहीं निगम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दुर्ग वार्ड 38 की महिला सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार और हाथ उठाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता पक्ष ने बताया कि वार्ड की पार्षद नीता जैन द्वारा सफाई कार्य के नाम पर घर बुलवाकर उनसे गलत व्यवहार कर मारपीट की गई, जिससे रेखा बाई सोनकर, हुमन बाई बंजारे, राधिका सोनकर द्वारा लिखित में थाने में शिकायत भी की गई। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ सफाई कर्मचारियों के सम्मान को लेकर उनके पांव धुला रहे हैं, वहीं इस तरह से हुई घटना पर दुर्ग सफाई कर्मचारी संघ के लोगों और वार्ड प्लेसमेंट सफाई कर्मियों ने गहरा आक्रोश जताया है। इस संबंध में पार्षद नीता जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइट ऐसा है कि वर्कर जो हैं डोर टू डोर जाके कचरा संग्रहण करते हैं, मिशन क्लीन सिटी के तहत हैं, प्लेसमेंट से कर्मचारी हैं और अन्य विभाग से गैंग में भी वर्कर हैं जो हर प्रकार के काम करते हैं सफाई में, सड़क नाली। और कभी भी कल वार्ड नंबर 38 से एक कर्मचारी का फ़ोन आया कि हमारे साथ पार्षद महोदया द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और थप्पड़ भी लगा दिया उनको। तो हमने पूछा, नीता जैन पार्षद महोदया का नाम है, तो हमने पूछा क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि हम कल डोर टू डोर कचरा का अटेंडेंस देकर सुपरवाइजर के पास से वार्ड के नागरिकों से कचरा लेने के लिए घर गए। उन्होंने कहा कि एक दिन आते हो, एक दिन नहीं आते हो। तो ये बताया कि हम कभी कभी पार्षद के यहाँ घर में काम करने चले जाते हैं तो लेट हो जाता है, इसलिए हमको कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये शिकायत वार्ड के नागरिकों ने पार्षद महोदया से की होगी, तो उससे उनको लगा होगा कि मेरे बुराई कर रहे हैं या मेरे को बदनामी कर रहे हैं, तो उनको बुलाया गार्डन में और जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा वहाँ पे, इसकी जानकारी हमको फ़ोन के माध्यम से मिली थी। तो हमने कर्मचारियों को बताया कि आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल जाएं, अपना जाके एक लिखित शिकायत कर दिए, सिटी कोतवाली में उन्होंने शिकायत की है, जो भी उचित कार्रवाई होगी सामने जो रहेगा वो फिर। ये तो आज की घटना नहीं है, इसके पहले भी कई प्रकार की घटना हुई है जिसमें हमने स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर निगम प्रबंधन को भी ये जानकारी दी है और यही बताया है कि जो भी कार्य है नगर निगम कर्मचारियों को भुगतान करता है तो वो खुद हैंडल करे। अगर पार्षद महोदय हो या महोदया हो, अगर उनको वर्कर से कोई शिकायत है वो अधिकारी को बोले, दरोगा है, ऐसा ही है, उनको पसंद नहीं है तो चेंज करा सकते हैं, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार संघ भी बर्दाश्त नहीं सुनाई दे रहा है कि फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिलती आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय रूप से उसको शॉर्ट आउट किया जा रहा था, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है और इसका संघ घोर निंदा करता है। सुनवानी सुबह 6 बजे हाजिरी दिला के अपन वार्ड चले गए रहें, वार्ड से कचरा लेते रहें, और इतनी विकी है जो फ़ोन करी सुपरवाइजर परसदीन है, तब फोन करके ना विकील फोन करी सुपरवाइजर विकी बोलते चलो सुपरसदीन बोला तुम मतलब इसके उठा खमाला गाड़ी में बैठा के लेगी सुपर घर, ओकर बाद घर में लेगी सीधा, ओकर बाद विकी अपन गेट के सामने में खड़ा हो गए और हमला अंदर भेजी से जा बोला थे कि ओकर बाद नीता जैन घर गए ना अंदर में गीता जैन है मारे चालू कर दी हाई मोर भी जाती करता तो मैं सब जगह के इसकी झाड़ू पोछा अपना वार्ड में बर्तन झाड़ू पोछा करवाते है रोज हो जाते टाइम भी टाइम कैसे टाइम हो जाते तुम माला ऐसे के ना मारे चालू करी सामान ला मोर जगह जगह भी जाते रेखा सोनानी देख सर में हाँ काम से संडे के छुट्टी रहे थे काम से मैं यहाँ हाँ और हाजिरी ली समरमन के हाजिरी ले बाद में मैं यहाँ चल दे रहे हैं हम और वार्ड में तो काम नहीं करे घर में घर के काम करवाते सब आदमी ला जब से जीते तब से नीता जान है सब जहाँ ला बुलाते और नहीं जावे तो चमका थे और हमारे जाति उती सब ला गाली देते तुम सतनामी हर वो हर ऐसे कह के सब चीज़ के गाली देते और नहीं जान तो ये काम से बैठा लेंगे ऐसे कह के बोलते हाँ मारे हैं सर ये हाथ मारी सब आए नीता जान मारी सब ये गार्डन में लेके हमें नहीं जानत रहे हम बैठार के लगी से सुपरवाइजर है बैठार के और धोखा से मोल बुला के मारे गए हमें कुछ गलती नहीं करे हम पूरी तरह गलत है। महिला कर्मचारी को जो उनके कार्य हैं हर रोज उनको हर घर का कचरा उठाना है और वो कचरा नहीं उठाती, एक दिन के आड़ में कचरा उठाती है। जो शिकायत मेरे पास आई मैंने शिकायत के बारे में उससे बात की तो वो कहती है कि मेरे को जो करना है करूँगी, मैं जैसा मेरे को आदेश होगा मैं करूँगी। तो आदेश किसका होता है? नगर निगम का होता है। मैं बोली नगर निगम में तो 200 घरों का कचरा बराबर उठाना है, लेकिन आप 200 घरों का कचरा नहीं उठाते हो, रोज़ एक दिन के आड़ में कचरा उठाओगे तो ये काम नहीं होने दूंगी मैं अपने वार्ड में। बिल्कुल सफाई चाहिए और सफाई के बारे में मैंने लगातार कमिश्नर साहब से भी कहा है कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है,
जिसमें एक घंटा उनको लंच मिलता है और बाकी समय उनको काम करना है। लेकिन 11 बजे आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिएगा, 11 बजे के बाद में किसी भी वार्ड में देख लीजिएगा, कोई भी कर्मचारी वहाँ पर काम करते नज़र नहीं आएंगे। और वार्ड में जब भी मैं जाती हूँ वे कर्मचारी वहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठ के गप मारते रहते हैं और काम करने की ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते हैं। उस बात को लेकर मैंने आज कहा था और वही बात को मैंने आज पहले भी कमिश्नर साहब से कहा है। इससे पहले जब बर्मन साहब थे तब वो ऑनलाइन पर देखते थे और बराबर 5:30 बजे हाजिरी हो जाती थी। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी हाजिरी कैसे हो जाती है, तो कहने लगे कि कमिश्नर साहब ऑनलाइन पर देखते हैं और ऑनलाइन पर वो बीच बीच में बराबर नज़र रखते थे, हर वार्ड में घुमा के नज़र कैमरा से देखते थे। और वाली स्थिति को मैंने कहा है कि अभी भी किया जाए ताकि शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके, लेकिन अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं महापौर जी से भी अपील करूंगी कि इस ओर ध्यान दिया जाए, तत्काल सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। बिल्कुल गलत है वो आज बता दे कोई भी कर्मचारी कि मैं निजी काम करवाती हूँ, क्यों करवाऊँगी मैं निजी काम, सवाल ही नहीं होता। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।